सब्सक्राइब कीजिए हमारे फन टू क्लास चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, तो सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे फोटो इन मोशन, तो इसको सर्च कर लेते हैं पहले। ये ऊपर लिखा आ गया, इस पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं पाँचवें नंबर पे आ चुका है ये फोटो मोशन, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, सिंपली आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद साइड में आपको कैमरे का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है फ़ोटोज़ पे। उसके बाद आपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जिस फ़ोटो को आप मोशन में लेना चाहते हैं। कि मैंने कुछ फ़ोटो डाउनलोड करके रखी हुई इंटरनेट से, मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। मैं फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया, अभी फ़ोटो ओपन हो चुकी है। उसमें नीचे आपको कुछ टूल्स दिख रहे होंगे, इसी टूल की मदद से हम इस फ़ोटो में मोशन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको नीचे दिख रहा होगा मोशन का ऑप्शन, तो मोशन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे मोशन सेट करेंगे। मोशन पे क्लिक करने के बाद कुछ तीर के निशान आ जाते हैं, तो हमें इन्हीं को सेट करते हुए बनाना है। जो जिस तरह हम अपने मोशन को लाना चाहते हैं उसी तरह हमें उसी डायरेक्शन में तीर के निशान खींचने होंगे। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तीर के निशान ना तो ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए। इसलिए मैं आपको पूरा वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह आपने कुछ लाइनें खींच लेनी है। तो जिस तरह पानी गिरता है झरने से उसी तरह आपने कुछ तीर के निशान भी बनाने हैं। ये मैंने ऊपर से बना लिया है, इसको मैं नीचे से भी कुछ इस तरह की लाइनें खींच देता हूँ। तो इनका डिफरेंस जो है डिस्टेंस काफ़ी थोड़ा देख के करना चाहिए, ये आपस में चिपके होने नहीं चाहिए, थोड़ा दूर दूर रहें। ये मैं आगे तक भी इसको ऐसे खींच दूंगा। ये मैंने लाइनें खींच दी हैं। दोस्तों मैं फ़ोटो जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपने भी कुछ इस तरह से तीर के निशान बना लेने हैं। दोस्तों अगले नंबर पे मास्क हमें लगाएंगे यहाँ पे। दोस्तों मास्क लगाने से ये होगा जो इसके साइड्स का जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगी और जितनी चीज़ हम मूवमेंट करना चाहते हैं वही होगा। दोस्तों आपको साइड में दिख रहा होगा मास्क का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और इसके झरने के साइड साइड में हम रेड रेड कर देंगे, बॉर्डर बना देंगे। इसकी वजह से साइड की मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी और झरने में ही सिर्फ मूवमेंट रहेगी। तो मैं जल्दी जल्दी से इसको रेड कर ले रहा हूँ ताकि ये फ़ोटो एक वीडियो बन जाए। तो मैं आपको स्किप करके दिखाता हूँ पूरा रेड करके। ये देखिए इस तरह आपने कुछ इसको रेड कर लेना है। जहाँ जहाँ पे तीर का निशान है वहाँ पे आपने रेड नहीं करना है। ये देखिए मैं प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह हमारी वीडियो बन चुकी है। उसमें ऐसा लग रहा है कि पानी झरने से नीचे गिर रहा है, ये देखिए। तो ये वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम सेव कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमको रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है, तो अपना रिजोल्यूशन जो है इसको फुल पे रखिए, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना। ये सेव होने लग गई है अपनी वीडियो। दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ 6 सेकंड की बनती है, तो इसको अगर हमें बड़ी करना है तो इसके लिए हमको एक और ये अपलोड करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूँगा आगे। ये अपनी वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है, इसका टाइम सिर्फ 6 सेकेंड का है, ये आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बने तो आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना और वहाँ से काइनमास्टर को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने अपने मोबाइल में काइनमास्टर को डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों हाँ, काइनमास्टर की मदद से हम इसके अंदर कोई सॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं काइनमास्टर पर, ये रहा काइनमास्टर, इसको ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया, यहाँ से हम न्यू फाइल ले लेंगे प्लस के बटन पर क्लिक करके।
कि आप बीच वाला सेलेक्ट कर लीजिए सकते हैं, चाहे आप साइड वाला ले सकते हैं। मैं साइड वाले पे क्लिक कर देता हूँ 60x9 पे। तो यहाँ से मोशन वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं 6 सेकंड की जो है, ये भी सिलेक्ट हो चुकी है। इसको बड़ी करने का सिंपल सा तरीका, इस वीडियो को हम डुप्लीकेट कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करें, उसके बाद सबसे पहले हम इसको इक्वल कर लेते हैं। थोड़ा साइड से कट रहा था वीडियो, इसलिए मैं इक्वल कर लेता हूँ इसको थोड़ा जूम करके। ये मैंने इक्वल कर लिए, उसके बाद ये देखिए अभी जूम आउट जूम इन नहीं होगा। उसके बाद इसको 3 डॉट पर जाकर डुप्लीकेट कर लेंगे। इसके आगे आगे डुप्लीकेट करते जाएंगे, 4 फाइलें बना लेंगे ऐसे ही। ये 18 सेकंड की हो चुकी है, अब ये 24 सेकंड की हो चुकी है। ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है 24 सेकंड की। तो मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये 24 सेकंड की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, या कोई गाना या कोई ऑडियो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इजीली। तो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक म्यूज़िक डाउनलोड करके रखा है, म्यूज़िक ऐड कर ले रहा हूँ। यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लस के बटन पर क्लिक, आ गया ये सॉन्ग आ गया। सिंपली इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये मैंने वीडियो स्किप कर दी है, ये हो गई अपनी फाइल रेडी। फिर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो से। ये देखिए फोटो को हमने मोशन ऐड कर दिया है, फोटो एकदम रियल हो चुकी है। तो इसी तरह आप भी किसी भी फोटो को मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो अब मैं आपको वो फ़ोटो भी दिखाने वाला हूँ जिस फ़ोटो को मैंने कन्वर्ट किया है मोशन में। ये देखिए ये वो फ़ोटो है। तो दोस्तों इसी के साथ होती है वीडियो कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।